नफरत की हिंसा ने गुजरात में हजारों लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। जिन लोगों को समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए था, वही लोग हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकुर का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ जहर उगलते नजर आ रहे हैं। ये वही अल्पेश हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस में शामिल किया और उन्हें बिहार का सह प्रभारी भी बनाया। आप सुनिए अल्पेश ठाकुर का वो भड़काऊ बयान। बारना जे बतावे छे अहिया क्राइम करे छे साहेब, गुनाखोरी वधी छे, ગામડાઓ જોડેલા ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે, તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે। આ કંપનીઓની ટ્રકો પણ રોકાશે અને એના દરવાજા પણ તૂટશે। કેટલા લડી લેવાના મૂડમાં છે, પછી એવું ના થાય કે દાડે દાડા ઉતારે એટલે પાછા પડીએ। गुजरात हिंसा के लिए अल्पेश ठाकुर की ठाकुर सेना पर उंगली उठ रही है। धमकी के कई वीडियो सामने आए और अब अल्पेश सफाई दे रहे हैं। मैं राहुल गांधी का सोल्जर हूं सर, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि किसी को मारने के काटने की राजनीति करूं। गुजरात के अंदर एक भी जगह पे मेरे लड़कों ने वायलेंस नहीं किया है। हाँ, कहीं भी गलती हुई होगी, उस गलती के लिए मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन अल्पेश की भूमिका को लेकर राहुल गांधी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि गुजरात में बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। बीजेपी ने गुजरात हिंसा के लिए अल्पेश और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जिस प्रकार से गुजरात में कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है, वो हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। कांग्रेस की यही नीति रही है, समाज बांटो, देश जलाओ, राजनीति करो और फिर चिल्लाओ। तीन दिन से मीडिया के माध्यम से जो जो वीडियो अल्पेश ठाकुर के सामने आ रहे हैं, वो वीडियो पूरी तरह से दिखाते हैं कि जो सत्य है उसको किसी प्रकार से साक्षी की आवश्यकता नहीं है। अल्पेश ठाकुर केवल कांग्रेस के विधायक हैं, ऐसा नहीं है। वो राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके चहेते हैं। अल्पेश के साथी रहे हार्दिक पटेल ने भी कहा है कि अगर बिहार यूपी के लोगों के खिलाफ हिंसा में अल्पेश का हाथ है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर ऐसा काम अल्पेश भाई करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये दुख की बात है, मैं ऐसी चीजों को समझ नहीं पाऊंगा कि अल्पेश ठाकुर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता, वो बिहार के सब प्रभारी है। अगर आप जिस लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हो, आज उसी लोगों को आप गुजरात से पलायन करवाओगे तो आपकी नीति और आपकी सोच में फर्क है। दरअसल मासूम से रेप में बिहार के कामगार की गिरफ्तारी के बाद बिहार और यूपी के लोगों को धमकियां मिलने लगी। जिस ठाकुर सेना पर धमकी देने का आरोप है, उसके मुखिया अल्पेश ठाकुर हैं। इसीलिए बहस के शुरू बताना तो पड़ेगा। मैं आज हमारा सवाल, क्या बंटवारे की नीति से 2019 जीतेगी कांग्रेस? और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों से मैं आपको मिलवा देती हूं। आज हमारे साथ इस डिबेट में अजय उपाध्याय रहेंगे, कांग्रेस लीडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। विजय प्रकाश अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, आरजेडी लीडर पटना स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ अरविंद निषाद जेडीयू स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट में हमारे साथ रहेंगे, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अनिल आनंद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी डिबेट में हमारे साथ बीजेपी से देवू सिंह चौहान जुड़ेंगे, बीजेपी से एमपी हैं। और सबसे पहले मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आ रही हूं। अजय उपाध्याय जी, ठाकुर सेना पर उंगलियां उठ रही हैं, ठाकुर सेना को जो हेड कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, वो अल्पेश ठाकुर हैं। एक तरफ कहते हैं कि अब ट्रकें भी रुकेंगी, अब लोगों को मारा भी जाएगा, उन्हें यहां से निकाला भी जाएगा, जो क्राइम करेगा उन्हें यहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ सफाई देने आते हैं, कहते हैं मेरा बेटा बीमार है, मैं तो राहुल गांधी जी का सोल्जर हूं, मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूं, अगर गलती हुई है तो दुख, मैं भी दुखी हूं। दुख जताने से कुछ होगा क्या सर? इतने लाख लोग पलायन कर चुके हैं, अभी तक राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर रहे उनपे। जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि दो दिन, चार दिन, पांच दिन का है। कोई पुराना वीडियो और किस कंटेक्स्ट में वो बोला गया है, हर जगह क्षेत्रीय स्तर पर थोड़ी बहुत बातें चलती रही हैं, नेता अपने अपने इंटरेस्ट में, वो अलग बातें हैं। जहां तक आज का उनका वीडियो जो है, जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, और ये पूरी जो घटना हुई है 14 महीने की बच्ची के साथ किसी मानसिक विकृत व्यक्ति ने
जो अपराध किया उस अपराध के कारण ये सारी बातें आगे बढ़ी। मैं मानता हूं कि जिसने किया उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम सबका, समाज का और राष्ट्र का काम है। अब बात आती है, अल्पेश ठाकुर का एक वीडियो नहीं आया है ना, उनके कई ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो आए हैं, महोब ठाकुर का भी वीडियो आया है जिनमें साफ कह रहे हैं कल सुबह की ट्रेन पकड़ के निकल जाइएगा, ये इलाका खाली कर दीजिएगा। आप क्षेत्रीयता का जहर बोने के लिए कांग्रेस में लाए हैं लोगों को। जो व्यक्ति किया है, क्या वो कह रहा है कि अल्पेश ठाकुर के हम लोग हैं? वो कहीं से अल्पेश ठाकुर के लोग नहीं है, अल्पेश ठाकुर को साजिश बनाया जा रहा है। नहीं, अल्पेश ठाकुर पर कांग्रेस के टिकट पर लड़ के जीत के आ रहे हैं ना सर। तो सुन ले, आप आंसर भी तो सुन ले, कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी तो सुन ले। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट पक्ष है, कोई भी यदि इस तरह की बात करेगा उसको कांग्रेस पार्टी कभी अपना नहीं मानती। लेकिन यहां साजिश के तहत अल्पेश ठाकुर को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो बिहार के सहप्रभारी हैं और उनके लोग के नाम पर एक अलग तरह के ग्रुप वहां ठाकुर ग्रुप है जो ये हिंसा में इस तरह में संलिप्त है। मैं कहता हूं सरकार, राज्य सरकार किसकी है? जिसकी राज्य सरकार है उसका काम है करना, उसको सजा देना, पकड़ना। आपने क्या किया? व्यवस्था आपकी चौपट हो गई, अर्थव्यवस्था वहां जो है वो चौपट है। नौजवानों को आपने चुनाव के वक्त इतना वादा कर दिया, आज वो बेचारे, उनकी इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई, आज कहीं ना कहीं वो परेशान है और इसमें आपने कहीं ना कहीं ये जहर घोल दिया। उत्तर पर प्रांतीय वर्सेस प्रांतीय, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी की गद्दी के लिए तो यूपी और बिहार का है मान, और जब सत्ता का सुख आपने पा लिया तो आप पांव तले रोध रहे हैं उन्हीं का सम्मान। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कर रहे हैं श्रीमान, सब चरमरा रहे हैं, आप सीधे प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे। एक मिनट जी, एक मिनट, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए सर, इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बयानों में? कांग्रेस, एक मिनट सुनिए ना आप मेरी बात। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि देखिए वहां गरीबी सबसे बड़ी दहशत है, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है और इसी वजह से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। अल्पेश ठाकुर कहते हैं देखिए मेरा बेटा बीमार है, मुझे बीजेपी फंसा रही है, मुझे जबरदस्ती मुझे बदनाम करने की कोशिश। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि छठ पूजा है और इसलिए लोग अपने घर को जा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता राहुल सही बोल रहे हैं कि अल्पेश ठाकुर सही बोल रहे हैं? ये राहुल गांधी जी भी नहीं बोले हैं, अल्पेश ठाकुर की छठ पूजा है, छठ पूजा में लोग जाते हैं लेकिन इतने पहले नहीं जाते हैं। और ये उनके मुंह से अल्पेश ठाकुर नहीं बोल रहे हैं, अल्पेश ठाकुर नहीं बोल रहे हैं ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये देश के कुछ मीडिया के लोग और भाजपा के लोग बोल रहे हैं। वहाँ पे जो पलायन हुआ है लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पेश ठाकुर का बयान दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। 57,000 लोग वहां से तीन दिन में पलायन किए हैं, वो किसी पूजा और उसके कारण नहीं गए हैं, उनको धमकी दी जा रही है, हिंसा उनको डराया गया। कौन कर रहा है हिंसा? ओपन, वहां के लोग जो कर रहे हैं, भाजपा के मुखौटे हैं जो लोग कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस को, ये लोग आपने अल्पेश ठाकुर का एक बयान बताइए इस परिदृश्य में कि वो कहता हो कि बिहारी और यूपी के लोग भाग जाए, ऐसा एक भी वीडियो बता दीजिए। स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली तो उसके बाद क्या होगा? वो प्रशासन जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगी, स्थानीय लोगों के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन यूपी बिहार वालों से प्रॉब्लम है। अभी 10 दिन पहले रूपानी जी ने कानून बना दिया कि बिहार यूपी के लोग वहां के कल कारखानों में काम नहीं करेंगे, ये कानून बना है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, संगीत लागी थी, ऐसा कोई कानून है इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। देवो सिंह चौहान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है 10 सेकंड मुझे दीजिए आप, 10 सेकंड। इस पूरे एपिसोड के बैकग्राउंड में कुछ वैचारिक आधार भी है। आपने महाराष्ट्र में जिसको गौरव गुजरात का दर्जा दिया नव निर्माण सेना के राज ठाकरे को, आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? इसी तरह असम में क्या हुआ, इसी तरह शिलोंग में क्या हुआ, जहां जहां भाजपा की शासित प्रदेश है वहां से बिहार की ओर पर प्रांतीय की एक राजनीति हो रही है। असम में एनआरसी के नाम पे 125 करोड़ में 100 करोड़ को आपने घुसपैठी घोषित कर दिया, तो क्या आप कर रहे हैं? आप जान कर तोड़ना चाहते हैं। ठाकरे साहब जो किसके साथ थे, आपकी सरकार थी। ठाकरे किसके साथ नहीं, तब आपकी सरकार थी, आज तब से आज तक आज आप ही के साथ हो। गल भैया माधुरी जी किसके साथ है? नहीं, ठाकरे जी आज भी केंद्र में सरकार है उनकी। सर मन से मंत्री है उनके साथ, वो दिग्गज आज भी मंत्री है, कहीं चलेगा नहीं ये देश में। ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर आपके साथ देश में नहीं चलता सर। क्षेत्रीयता का जहर नहीं बोलना चाहिए, बो रहे हैं भाजपा के लोग, बो रहे हैं आप। एक पत्रकार की हैसियत से प्रश्न कीजिए, आप भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से। सर आप मुझे प्रवक्ता बना दीजिए, आप बताइए जो गलत है वो आप बताइए। माधुरी जी आपको क्या ये रिपोर्ट आ गई कि कांग्रेस के लोगों ने किया, एक आदमी को कांग्रेस पर आरोप आया,
कि जहर बोया आकर युवा नेता है ना, आप ये कहते हैं युवा नेता है, ने नहीं बोया है युवा नेता है, युवा नेता को जहर बोने के लिए लाए थे पार्टी में, जहर बोकर सियासत करते हैं, पहले भी जहर बोकर धर्म के नाम पे इन लोगों ने सत्ता लाई थी, अब जाति और अल्पेश जी का बयान क्या कर रहे हैं माननीय अल्पेश ठाकुर का बयान सुना रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं तो उसको आप नहीं मान रही है माहौल ठाकुर का बयान तो आपको ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ेगा सर, और भी चीजें बात की है ना, तो बात कीजिए। ठीक है संगीत रागी जी, देखिए सबसे पहले राहुल गांधी ने जब शुरुआत की थी अपने अध्यक्ष पद की तो उन्होंने कहा था कि हम प्रेम भावना का पाठ लेकर के संदेश लेकर के जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी जिस घृणित राजनीति का निंदनीय और घृणित, प्लीज हमने हस्तक्षेप नहीं, आपने सुने प्लीज, आपने जो गलत बोला है हम कुछ नहीं हस्तक्षेप किए, की बात करेंगे, इतना घृणित प्रवक्ता है ना, इतना घृणित राजनीति ने जो हे राम और नाथूराम प्लीज की डिफरेंस किया इस देश में, देखिए घृणित राजनीति का करना है, अब बोलिए मैं बोलने नहीं, ठीक है ठीक है, बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं नहीं बदतमीजी तो आपके वक्त है, घृणित अपराध राहुल गांधी ने क्या अपराध किया, गांधी जैसा कौन सा अपराध किया जरा बताइए, तो राहुल परिवार कैसे बात बोल सकते हैं, क्या आरोप, क्या गांधी परिवार इस देश को भी बेच सकता है, मैं कह रहा हूँ देश को देख लीजिए, राहुल गांधी और गांधी परिवार आप अपने आप देश को ठीक था, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल नहीं, मेरा दोनों से निवेदन है पर्सनल नहीं, देश की बात कीजिए सर, बेसिक देखिए मैंने किसी मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर बात होनी चाहिए, गांधी परिवार रहे हैं आप, नहीं तो आप मुद्दे पर बात कीजिए, आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, हस्तक्षेप इसलिए कर रहे हैं, गलत वर्ड बोल रहे हैं आप, गलत पर आपने पूरा डेटा बोला 100 करोड़ 125 करोड़ में, अरे आपके 100 करोड़ अमित शाह जी ने बोला है, आप पढ़े लिखे हैं कुछ, मैं नहीं, अरे बात कर रहे, आप विद्वान हैं मैडम, राहुल गांधी ने गुजरात से ही इस घृणा की राजनीति की शुरुआत की, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर उसी घृणा की राजनीति की उपज है, उसी घृणा की राजनीति की पैदाइश है, दूसरी बात मैं कह रहा हूं ये जितने भी चर्चों पर हमले ये सारी चीजें जो घटनाएं घटती थी हर चुनाव से पहले ये होता था, और सिर्फ इसलिए होता था ताकि समाज के अंदर बंटवारे की बीज बोया जाए, नफरत फैलाया जाए, और ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम की जा सके, इसी मुद्दे पर लेकर के महाराष्ट्र इनको दर्द होता है कि बांग्लादेशियों को बाहर निकाली जा रही है, तो इनको दर्द होता है, और गुजरात ये नहीं बता रहे हैं कि अल्पेश ठाकुर जैसा आदमी जो इस देश घाती विचार में संलग्न है, जो मारने और पीटने की राजनीति कर रहा है, आज कांग्रेस के जोरात से ये नहीं बन रहा है कि उसकी निंदा करें, नाचे नावे आंगन टेढ़ा प्रशासन आपका, सुनिए आपसे संबंध नहीं रहा है, आग जलाते रहिए, नहीं बताइएगा इस देश को, आपका प्रशासन है, आप केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, मैं तो कह रहा हूँ अपराधियों को सजा दीजिए, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस अपराधियों को सजा दीजिए, बहाना सर कल भी थे आप मेरे साथ इस डिबेट में, जिन लोगों पर आपने सवाल उठाए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दीजिए, रागी जी एक मिनट सर एक मिनट गुजरात में आज हम 2011 का सेंसस का अगर फिगर लेते हैं, ठीक है करीब 2,70,00,000 यानी कि 42% के आसपास ये लोग हैं जो गुजरात के नहीं है, फिर भी अपने को गुजराती समझ के गुजरात के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, ये गुजरात में अपना कारोबार कर रहे हैं, और इन्हीं की वजह से गुजरात आज प्रगति कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो गुजरात की ये प्रोग्रेस नहीं दे सकते, गुजरात की ये संप साथ और एकता का जो ये गुजरात मिसाल बना है उसको नहीं देखने वाले लोगों ने किसी एक घटना को मुद्दा बनाकर पूरे देश पूरे राज्य में एक एक तरीके से अशांत
फैलाने का, अशांति फैलाने का काम किया है। जैसे कांग्रेस के खिलाफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, टेल मी। कांग्रेस का विधायक कार्यवाही क्या हुई, टेल मी सर, क्लियर कीजिए। कल भी आप थे इस डिबेट में जी, आपकी जिम्मेदारी है सर, सर जिम्मेदारी है। अरेस्ट किया गया है जो अपराधी था उसको भी अरेस्ट किया सर, अपराधी को उसी दिन अरेस्ट कर लिया, और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं, अल्पेश ठाकुर को आप सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? और नहीं, उसके और जो साथी है, जो भी जो कांग्रेस के चुनाव के चिन्ह पर जो चुनाव के चिन्ह पर जीते हैं, ऐसे जो गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक जो है गुजरात की अस्मिता, गुजरात की प्रतिष्ठा का नुकसान कर रहा है, उन सारे हम उन चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम उन पर एक्शन जरूर लेंगे। कब सर, कब लेंगे? 8 दिन हो गए, कब लेंगे एक्शन आप लोग? हमने 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, 400 को हिरासत में। एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस अभियान में सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल नहीं है, राजस्थान के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनको भी भगाया गया है, मध्य प्रदेश के लोगों को भी भगाया गया है, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी भगाया गया है, और उसका सीधा सीधा संबंध है आने वाले चुनाव से। विजय प्रकाश अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, माधुरी जी बोला जाए सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? बिहार के लोग दहशत में है, वहाँ से पलायन कर रहे हैं, आप तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ पलायन कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का दुर्भाग्य है कि उनके गृह राज्य से जो है लोगों को, बिहारियों को भगाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, लोगों को अपना खून पसीना बहाकर वहाँ जो है अपना जीवन यापन करने का काम करते थे। और अभी जो रागी साहब ने अपने जुबानों से ये संघ विचारक है, लेकिन कितने सब गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे रागी साहब। आप अपनी बात कीजिए सर, आप अपनी बात कीजिए, उनको मैं चुप करूंगी, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए सर। बिहार के कांग्रेस की तरफ से साफ प्रभारी है अल्पेश ठाकुर, आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन सा संसदीय शब्द है? यदि गंदी राजनीति, यदि चीप पॉलिटिक्स बोला जाए तो उसको भगवाधारी लोगों को मार करके इस देश से भगाने का काम करना चाहिए। आज जो है, परसों जो है, क्या कारण है कि कांग्रेस आई के नेता पंखुड़ी समाजवादी नेता जो है पंखुड़ी जी के साथ अन्याय, कौन सा ऐसा शक्ति जो है देश में पनप रही है जो लोगों की आजादी छीनने का काम कर रहा है? ये आप लोग जो है पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करके बिहारियों को जो है भगाने का काम कर रहा है, इसका सबक आपको जो है देश जो है बताएगी 2019 के चुनाव में। कांग्रेस का चरित्र क्या है पूरा? आप लोग अपने हैसियत में आ जाइए। अरे एक मिनट सर, सर नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं आप। धमकी माधुरी जी, कांग्रेस का चरित्र यही है कि देश को बांटो, प्रयोग जो है कांग्रेस का चरित्र यही है कि देश को बांटो। राहुल गांधी जी पर जो कांग्रेस के इस देश पर, इस देश के बंटवारे पर, सौदा पे कांग्रेस पार्टी ने हस्ताक्षर किया था और इसने नहीं किया था। विजय प्रकाश अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा ने क्या किया? एक मिनट आप लोगों के पास आए, मुझे विजय प्रकाश के साथ समर्पण पिलाइए। विजय प्रकाश बिहार से है, विजय प्रकाश आरजेडी से है, विजय प्रकाश आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने बिहार का सह प्रभारी बनाया अल्पेश ठाकुर को, आप अल्पेश ठाकुर का विरोध करेंगे कि नहीं? अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर? नहीं, सरकार कहाँ सोई है? अरे सरकार सुनिए मेरी बात, सर सरकार का सर देने क्यों कर रहे हैं? जो हिंसा फड़का रहे उनका विरोध नहीं करेंगे सर? चर्च से गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी है। सर आप बिहार की अस्मिता की बात कर रहे थे, आप बिहार के लोगों के हक की बात करते हैं? सरकारी चाहिए कांग्रेस को, जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जो कांग्रेस के हैं, आप उनको नहीं बोलेंगे सर? तोड़ने का काम करता है राहुल गांधी, लोग खुलेआम कह रहा हूँ, जो खुल के धमकी दे रहे हैं आप उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे? और ये सारा यही राजनीति है ना सर, यही राजनीति है, आपको वोट बैंक की राजनीति।
राजनीति करनी है, जो देश को तोड़ना चाहता है, जो देश को बर्बाद करना चाहता है, जो भाईचारा मिटाना चाहता है। अरे सर, एक मिनट, राहुल गांधी को समझाओ, एक मिनट, राहुल गांधी को जाकर समझाओ। राजी साहब, राहुल गांधी है कि लोजपा के और आरजेडी के, आरजेडी का प्रवक्ता भी यहाँ राहुल गांधी इनको दिखता है, रात में भी उन्हीं का सपना ही देख के आते हैं, दिन रात देख रहे हैं राहुल गांधी, मोदी जी भी देख रहे हैं और अभी वो सपना देख रहे हैं, वही सपना देख रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, इस बार 2019 में आपको क्या प्रश्न को क्यों रोक रही है सामने वाले? बिहार और यूपी के लोगों से प्रॉब्लम है, वो भी उस प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा शांति मानी जाती है। आप लोगों का एक्शन क्या है? माधुरी जी, जो अल्पेश ठाकुर और महोद ठाकुर के वीडियो आ रहे हैं चैनलों पर चल रहे हैं, उस भाषा का किसी भी तरह समर्थन नहीं किया जा सकता। जो भाषा उन्होंने बोली है वो आपत्तिजनक है और गलत है, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए। और कांग्रेस को भी उसका बचाव करने के बजाय अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इन इनमें अभी जो झगड़े हुए हैं, जो मारपीट हुई है, जो बिहार और यूपी के लोगों के साथ हुआ है, इनमें सरकार का भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इनमें अल्पेश ठाकुर शामिल है सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से ना कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हैं तो बिना बीजेपी की मिली भगत के इतने बड़े दंगे नहीं हो सकते थे। 50,000 लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, 10 दिन तक हिंसा का नंगा नाच होता रहा, गुजरात सरकार सोती रही, गुजरात का प्रशासन कानून व्यवस्था संभालने में नाकामयाब रहा, अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रहा, और देश के प्रधानमंत्री जिन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों ने चुन के भेजा है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों की वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, वो अभी तक चुप है, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। उनकी आंख में आंसू नहीं आए इन बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? उनके दिल में कोई दर्द नहीं है, कोई टीस नहीं है? उन्हें बोलना चाहिए था, गुजरात के मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे। और जो एक्शन कल परसों से जब ये मीडिया में मुद्दा उछला है, तब एक्शन गुजरात की सरकार ने लिया है, वो एक्शन अगर पहली तारीख से शुरू हो जाता तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती जो हुई है। ठीक है, मतलब तो इसके लिए कटघरे में कंक्लूजन निकालूं तो ये हो गया कि बीजेपी कांग्रेस एक हो गई दंगे करवाने के लिए। देवो सिंह, आपने सवाल खड़ा कर दिया, एक सेंटेंस बोल दूं, बिना बीजेपी की मिली भगत के, बिना सरकार के सहयोग के इतनी स्थिति खराब हो ही नहीं सकती।